हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज दोस्तों मैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें जो होती है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जो वायुमंडल की जो परतें होती है उसको दो हिसाब से बांटा गया, एक गैस में बांटा गया है और दूसरा जो है परत में बांटा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग गैस में पढ़ लेते हैं। तो गैस में आपका एयर आ जाएगा, जिसको हम लोग हवा बोलते हैं। देखिए, एयर क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी हवा जो होता है यानी गैसों का मिश्रण है। इसमें बहुत सारे वायु में जो है बहुत सारे इसमें मिला हुआ गैसेस हैं। जैसे देखिए, नाइट्रोजन, ये पूरे वायुमंडल का जो है 78% जो है वो नाइट्रोजन होता है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन जो है 21% जो है 21% आपका ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% होता है। बाकी जो है गैसें होती है, जैसे हीलियम हो गए, नियोन हो गया, आयरन हो गए, ये सब बाकी जो है गैसें हो जाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर वो होती है, जैसे आप कहीं अगर पर्वत पर जा रहे हैं या समुन्द्र में अगर जा रहे हैं या समुन्द्र की गहराई में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम पर्वत की बातें करते हैं। देखिए, जब हम पर्वत पर जब जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले करके जाते हैं, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में जो है ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होता है। क्योंकि देखिए, हम अकेले जो ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, अगर अकेले ऑक्सीजन लेंगे हमारा लंग्स में जो है चोट लगेगा, इसलिए जो है आता साते है पर हमारा लंग जो है केवल जो है आपका ऑक्सीजन लेता है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होती है, जब हम पर्वत पर जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। अब जब आप समुन्द्र में जाते हैं तो समुन्द्र में जब जाते हैं तो वहां पर जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। लेकिन वही जो है समुन्द्र की गहराई में जब जाना रहता है, लगभग 250 फीट से लेकर के 300 फीट में, तो आपको जो है ऑक्सीजन के साथ में जो है हीलियम गैस जो है उसमें होता है। अब देखिए, आईसीयू क्या होता है, हॉस्पिटल में जैसे कोई पेशेंट अगर ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा इमरजेंसी है, ज़्यादा इमरजेंसी है तो वहाँ पर जो है एक्चुअल हम लोग जो है आईसीयू में भर्ती कर देते हैं। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। उसमें हमेशा जो है मतलब डॉक्टर मिलेंगे और नर्स मिलेंगे। तो देखिए, नॉर्मल एक पेशेंट होते हैं और एक जो है क्रिटिकल होते हैं। तो नॉर्मल जो पेशेंट होते हैं तो उसको जो है मास्क जो है लगा दिया जाता है, और मास्क लगा दिया जाता है तो वो जो ऑक्सीजन ले लेता है। लेकिन एकदम मास्क से भी अगर नहीं ले पा रहे हैं, एकदम क्रिटिकल हैं, तो उसमें जो है पाइप डाल करके नाक में जो है उसको जो है वेंटिलेटर जो होता है उसी से पंप किया जाता है। तो उसमें जो आपका होता है आपका ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन होता है। अब बात करते हैं यानी वायुमंडल की जो परतें हैं, परत के हिसाब से जो है ऐसे पांच ही होता है, लेकिन छह भी दिया गया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, सौरमंडल होता है। धरती से अगर ऊपर में जाइएगा तो सौरमंडल होता है। सौरमंडल लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर जाइएगा तो सौरमंडल होता है। इसमें क्या होता है कि अगर बिजली का जो है कड़कना, चमकना या बारिश होना, बादल को देखना जो है सौरमंडल में हम लोग देख लेते हैं। ये जो है मौसम परिवर्तन के कारण से होता है। ऊपर जब जाइएगा तो आपका समताप मंडल होता है। समताप मंडल यानी 50 किलोमीटर दूर, लेकिन उससे अगर नीचे में आइएगा लगभग 35 किलोमीटर की दूर में, तो आपको ओजोन परत पाया जाता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश से आने वाला पराबैंगनी किरण को जो है वो वापस लौटा देता है, यानी हानिकारक जो किरणें होती है जो धरती पर आने से बचाता है। फिर समताप मंडल हो जाता है, जिसमें 50 किलोमीटर दूरी पर होती है, तो इसमें हवाई जहाज वगैरह चलता है। फिर आपका मध्य मंडल होता है, तो इसमें तापमान जो होता है वो कम और ज़्यादा होता रहता है। उसके बाद में जो है आयन मंडल हो जाते हैं, आयन मंडल के बाद ताप मंडल होता है, फिर वहीन मंडल होता है। ये सब मंडले होती है। चलिए एक बार हम आपको बोर्ड से समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी एयर क्या है, हवा, मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। अब बाकी जो है आर्गन, हीलियम, नियोन, बहुत सारे गैसे हो जाते हैं, बाकी जो बचता है ये हो जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है, जब हम पर्वत पर या समुन्द्र में या समुन्द्र की गहराई में जाते हैं तो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। देखिए, पर्वत जो होती है, जब पर्वत पर जाना रहता है, आपको मालूम होगा कि
अरुणिमा सिन्हा जो है यानी कि एवरेस्ट के चोटी फतेह हासिल की थी, जो 8848 मीटर की हाइट पर जो है वो चढ़कर जो है एक नया मुकाम जो हासिल की थी। अरुणिमा सिन्हा जिसको ट्रेन से फेंक दिया गया था, उसका पैर कट गया था, लेकिन उसके अंदर में हिम्मत थी कि नहीं हम फतेह हासिल करेंगे। तो वहां पर जो गई थी तो उसके साथ जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर जो था उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है। समुद्र में जब बनाना रहता है तो सिलेंडर में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है दोनों में सेम होता है, लेकिन समुद्र की गहराई में अगर जाना हो, अंदर में जाना हो, लगभग में 200-250 फीट से लगभग 300 फीट में अंदर में जाना हो, तो ऑक्सीजन के साथ में जो हीलियम मिलाया जाता है। अब देखिए आईसीयू क्या होता है, जब पेशेंट ज्यादा मतलब बीमार हो जाते हैं तो आईसीयू होता है, तो हॉस्पिटल में होता है, तो वहाँ पे जो है हमेशा डॉक्टर और नर्स लोग मिलेंगे, हमेशा मिलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट हो जाता है, इसके साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाया जाता है। कोरोना में देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने के कारण से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई थी। और नॉर्मल अगर पेशेंट रहेंगे तो मास्क लगा दिया जाता है, अगर ज़्यादा क्रिटिकल है तो उसमें वेंटिलेटर से उसे पंप किया जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। अब बात करते हैं वायुमंडल की परतें, तो देखिए धरती से जब ऊपर में 14 किलोमीटर जाइएगा तो सौ मंडल होता है, अंग्रेजी में जो इसको ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। तो इसमें जो है बादल हो जाते हैं, और बिजली का जो है कड़कना हो जाता है और बारिश होना, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं मौसम के परिवर्तन के कारण से होता है। दूसरा में सप्तम मंडल होता है, इसको एस्ट्रोस्फीयर अंग्रेजी में बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। ये जो है 50 किलोमीटर दूरी पर जब जाइएगा तो यहाँ पे जो है जहाज वगैरह जो चलती है वो समताप मंडल में चलता है, लेकिन अगर 35 किलोमीटर दूरी पर जाएगा तो ओजोन परत होता है, जो फ्लोरो क्लोरो जो हानिकारक जो किरणें होती है वो धरती प्रणाली से जो ओजोन परत जो है बचाने का काम करता है, जो प्रकाश मतलब टकराता है ओजोन परत से फिर वापस जो है ले जाता है। फिर मध्य मंडल हो जाता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस माइनस में, कभी माइनस में कभी प्लस में जो है डिग्री सेल्सियस में हो जाता है। फिर और ऊपर जाइएगा आयन मंडल में, तो धरती से लगभग में जो है ये 400 किलोमीटर जो है आयन मंडल हो जाते हैं, इसको अंग्रेजी में आयनोस्फीयर बोला जाता है। उसके बाद ताप मंडल होता है, इसको थर्मोस्फीयर बोला जाता है। उसके बाद में बहिर्मंडल होता है, एक्सोस्फीयर बोला जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और लाइफ में हमेशा इंसान को सीखते रहना चाहिए। हो सकता है हर इंसान को अगर हम मदद करते हैं तो उसको छोटी सी अगर मदद से इंसान का अगर लाइफ अगर बदलती है तो हमें मदद करनी चाहिए, किसी से इस भेदभावना नहीं रखनी चाहिए, सभी लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। जिस तरीका से अगर लोगों को अगर मीठा चाहिए तो मधुमक्खी की तरह जो है मिलकर रहना चाहिए, अगर हर इंसान को अगर मीठा जीवन चाहिए तो मधुमक्खी की तरह जो है मिलकर रहना चाहिए, जिस तरीका से मधुमक्खी जो है अपने छत्ते में मिलकर के रहते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका मुल्क हो, चाहे कोई भी लोग हो, सबको मिलकर के रहिए, आपको जीवन हमेशा मीठा की तरह जाएगा, किसी से इस भेदभावना नहीं रखना है। तो दोस्तों आप लोग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।